द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लेडी मतलब ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की स्टोरी है। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देखो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर मिलेगा। नाउ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पूरा अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रखा है खुशवंत सिंह ने। स्टोरी चार पांच भागों में डिवाइड है। सबसे पहले है इंट्रो, दादा और दादी के बारे में बता रखा है थोड़ा सा और कुछ और अलग से है। देन फिर स्टार्ट होता है कैरेक्टर ऑफ दादी, मतलब अच्छे से दादी के बारे में बताया सेकंड फेज में। देन फिर थ्री फेज कौन से, थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, मतलब ग्रैंड मदर के खुशवंत सिंह के साथ कैसे रिलेशन से, वो तीन भागों में बता रखे हैं। क्वेश्चन भी है इन पे अच्छा खासा। एंड देन फिर एंड ऑफ द स्टोरी, दादी के एंड के साथ एंड हो जाता है। नाउ स्टार्टिंग विद माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, ये सात स्टोरी के अंदर आएंगे, इन्हें हमने देख लेंगे, पहले से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं तो उस स्टोरी में देख लेंगे। नाउ माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ। वो ओल्ड थी सबकी दादी की तरह, कितनी ओल्ड थी, रिंकल थी, और पिछले 20 साल से लगभग वैसी ही थी जब से वो उसे जानता था, मतलब जब से खुशवंत सिंह अपनी दादी को जानता था वो ऐसी थी। पीपल सेड दैट वंस बीन यंग एंड प्रीटी, मतलब बताते हैं लोग कि वो कभी जवान भी थी, खूबसूरत भी थी, अच्छी भी थी, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट उस पर बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो जब से वो देख रहे थे खुशवंत सिंह वो ऐसी बूढ़ी सी थी। नाउ माई ग्रैंड फादर, उसके ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट थी हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राॅइंग रूम, ड्राॅइंग रूम में दादा की फोटो लगी थी। अब वो कैसे थे, उन्होंने टर्बन पहन रखा था, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, दाढ़ी थी दबा के, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब पूरी छाती ढक रखी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल के लग रहे थे वो। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे जिनके बच्चे हो या वाइफ हो, उसके दादा की शक्ल देख के उसे ऐसा लगता था। नाउ ही लुक्ड एज इफ कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब जितने बूढ़े वो थे उनको देख के सिर्फ ये लग रहा था कि हाँ इनके बहुत सारे पोते और पोती हैं। ये द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कौन सा थॉट, इसकी लाइन थी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, मतलब मेरी दादी जवान और खूबसूरत थी, ये सोचना भी, ये थॉट भी ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग था, मतलब घृणात्मक। इस रिवोल्टिंग के सुद हिंदी होती है घृणात्मक, घृणात्मक मतलब जिसको सोच के ऐसे अजीब सा लगे, घृणा आए, ठीक है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, मतलब वो बताती थी वो कि कैसे कि वो गेम खेलते थे, दैट सीम क्वाइट एब्जर्ब एंड अन डिग्निफाइड, मतलब अजीब से गेम लगते थे उन्हें वो, जैसे पहले तो पत्थर उछाल उछाल के खेलते थे वो, कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ भी ऐसा गेम जो पुराने टाइम पे वो खेलती थी। नाउ ये दादी और दादी दादा का इंट्रो था। अब सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, दादी के बारे में अच्छे से बता रखा है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, मतलब वो थोड़ी सी झुकी हुई थी और नाटी सी थी, थोड़ी सी मोटी थी, ठीक है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस रिंकल्स, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस पूरे चारों तरफ इधर उधर से पूरी की पूरी झुर्रियों से भरी हुई थी उसकी दादी। नो ओवर कट, सी हैड ऑलवेज बीन एज सी वुड, सी हैड नॉन हर ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि अब उससे और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कहते हैं ना 60 तक होने के बाद फिर 60 से 80 की एज, यहाँ पे भी सेम ही शक्ल रहती है और यहाँ पे भी सेम ही शक्ल रहती है। अब कोई कमेंट में ये नहीं कहेगा कि सलमान खान 60 का अलग दिखेगा, 80 का अलग दिखेगा, वो तो अभी भी जवान ही है, उसका कुछ नहीं कह सकते। नाउ सेम एज, मतलब पिछले 20 साल से वो सेम ही थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी प्रीटी तो हो ही नहीं सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, हाँ बट वो सुंदर हमेशा से थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, मतलब बिना दाग के सफ़ेद कपड़े पहनती थी, लंगड़ा कर चलती थी, और हमेशा एक हाथ अपने कूबड़ पर रहता था और दूसरा हाथ माला फेरने में लगा रहता था, और कूबड़ पे किस लिए, ताकि बैलेंस बना के रखे वो अपना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, मतलब उसके होठ हमेशा चलते रहते थे, चलते रहते थे। वो ब्यूटीफुल थी, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, मतलब एकदम सर्दियों जिसे कहते हैं ना, शीतकाल में जब हम कोई
ऐसी जैसे दार्जिलिंग वगैरह ऐसी जगह जाके देखें कुछ वैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैरेंटी, उनके चेहरों को देख के ऐसा लगता था जैसे एक्सपेंस मतलब होता है फैलना, प्योर मतलब शुद्ध, वाइट सैरेंटी मतलब शांति, पूरी शांति सी फैल जाती थी। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो दादी कैसी थी कैसे दिखती थी। फिर स्टार्ट होता है मतलब खुशवंत सिंह का और दादी का रिलेशन, तीन भागों में है, जब वो बच्चे थे थोड़े से बड़े हुए और फिर यंग एज में, एंड देन फिर दादी का एंड दिखा रखा है। नाउ माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे फ्रेंड थे, पेरेंट्स बाहर जा चुके थे सिटी छोड़कर। सी यूज़ टू वेकअप, दादी उसे सुबह रोज मॉर्निंग में उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथर्ड, मतलब जब भी वो उसे सुबह उठा के नहलाती थी वह हमेशा अपनी प्रेयर करती रहती थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ ये भी एक ना एक दिन सीख जाएगा। बट वो सिर्फ सीखता नहीं था, आई लिसन, वो सिर्फ सुनता था, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, उसे दादी की आवाज़ पसंद थी। देन सी वुड फैच माई वुडन स्टैच, मतलब उसकी जब स्कूल जाने के लिए तैयार करती नहला वहला के, उसकी लकड़ी की वो तख्ती जिसे कहते हैं जिस पे लिखते हैं चौक से, फिर इंक पॉट, रेड पेन, टाई, सब कुछ दे था कि ब्रेकफास्ट करा के मस्त सा सब कुछ डाल के अंदर, और फिर ले जाती थी। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, मतलब जब स्कूल के लिए उसे छोड़ने जाती थी तो साथ में कुछ रोटियां भी ले जाती थी कुत्तों के लिए, गली के जो डॉग्स हैं उनके लिए। नाउ माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज, मतलब वो हमेशा उसे स्कूल छोड़ने जाती थी बिकॉज जो स्कूल था उसके जस्ट बगल में टेम्पल था, वो उसे स्कूल छोड़ती थी एंड देन टेम्पल में चली जाती थी। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन एदर वरान्दा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर, सुबह सुबह की जो प्रेयर होती है उस टाइम जब बच्चे प्रेयर करते थे दादी माँ अपनी लोक कथाएं पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब दादी माँ मंदिर में पढ़ लेती थी और वो स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, दोनों के दोनों साथ में वापस आते थे, और साथ में वापस आते टाइम उनका डॉग पीछा करते थे वो जो रोटियां लेके जाते थे उन्हें फेंकने के लिए। ये बचपन का टाइम था। फिर जब उनके पेरेंट्स ने सिटी में अपना काम धंधा सही से ग्रो कर लिया अच्छे से, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, उन्होंने उन्हें बुला लिया, और यही था टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ से उनकी लाइफ ही चेंज होगी, पहले एक साथ रहते थे, स्कूल जाना, स्कूल से आना, नहलाना, कपड़े तैयार करना, दादी करती थी सब कुछ, अब वो चेंज होने वाली थी उनकी फ्रेंडशिप का स्टेटस। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, वो दोनों एक ही रूम में रहते थे, बट फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब उसकी दादी उसके साथ नहीं जाती थी, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, बस से स्कूल जाता था, छोड़ने जा नहीं सकती थी, गली में कुत्ते थे नहीं, होंगे तब भी वो छोड़ने नहीं जाती थी, मिलेंगे कैसे। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चिड़िया स्पैरोज को, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, अपने आंगन में ही चिड़ियों को दाना डालना स्टार्ट कर दिया। एज द ईयर्स वर रूल्ड वी सो लेस ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए वो एक दूसरे को कम देखना स्टार्ट कर दिया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेकअप मी एंड रेडी फॉर स्कूल, कभी कभार वो उसे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक, जब स्कूल से वापस आता था वो बताता था कि मैंने आज क्या पढ़ा, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़े, ठीक है, साइंस के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, आर्कमिडीज प्रिंसिपल बताता था वो, दादी की कुछ ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आता था और वो उन्हें अनहैप्पी कर देता था, मतलब कैसे यार न्यूटन ने सीखी थी ग्रेविटी मस्त मज़े में, वो कैसे सीख सकता था। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट, मतलब उसकी दादी को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि ऐसी चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिविंग म्यूजिक लेशंस, एक दिन वो आया और बताया कि मैं म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ यहाँ पे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, मतलब उसकी दादी को बहुत बेकार लगा कि ऐसे कैसे कोई म्यूज़िक सिखा सकता है, उसके हिसाब से जो भिखारियों का बैगर्स का काम था वो था म्यूज़िक सीखना। हारलॉट्स ये वेश्याएं जो होते हैं ना उन्हें कहते हैं, मतलब पहले के टाइम में शूद्र वेश्या ब्राह्मण ऐसे डिवाइड करके रखा था, तो उसमें वेश्या को हारलॉट्स कहते थे। नाउ सी सैड नथिंग, उसकी दादी ने उसे कुछ कहा नहीं कि तू म्यूज़िक सीख रहा है, बट फिर भी समझ सकते हो, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत कम बोलना स्टार्ट कर दिया। नाउ दो फेज़ बीत चुके थे, पहला चाइल्डहुड में उसके साथ रहता था, देन यंग एज में, अब आई थर्ड जब वो पूरा टीनेजर में आ गया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाने लग गया था लौंडा, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब दादी से अलग रहने लग गया, खुद का कमरा हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो थोड़ा बहुत लिंक था वो भी हट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, इसका मतलब है माई ग्रैंड एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, सेक्लूजन सेपरेट, रेजिग्नेशन हटा देना, मतलब मेरी दादी ने
अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैं अब अलग रह सकती हूँ। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा जो गांधी जी घुमाते थे, वो रेयरली कभी कभार छोड़ती थी अपना चरखा टू टॉक किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह सन उगने से लेके सन ढलने तक वो उसी पे बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर बोलती रहती थी। सिर्फ ओनली एक ही टाइम पे खड़ी होती थी जब आफ्टरनून में उसे थोड़ा आराम करना होता था और चिड़ियों को दाना डालना होता था। वाइल सी सेट इन द वरांदा, मतलब आंगन कह लो या वरांदा कुछ भी कह लो, एक ही बात है, आंगन में खड़े होकर ब्रेड के छोटे छोटे पीस करके हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, 100-150 चिड़ियों को आराम से दाना डालती थी वो। कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, चिरपिंग्स मतलब होता है चहचहाना, चहचहाना ची 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 जो करते हैं ना उसे कहते हैं चिरपिंग्स, चिड़ियों की, मतलब उसकी चारों तरफ, दादी के चारों तरफ चिड़िया चहचहा कर चहचहाती रहती थी। सम केम एंड परचर्ड और कुछ लेग्स पे बैठती थी, कुछ शोल्डर्स पे, कुछ सर पे, बट दादी हमेशा स्माइल करती रहती थी और उन्हें कुछ नहीं कहती थी। इट यूज़ टू बी हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, मतलब वो आधा घंटा उसकी दादी का सबसे अच्छा खुशी वाला टाइम होता था पूरे दिन का। फिर टाइम आया वैन खुशवंत सिंह, वैन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, मतलब खुशवंत सिंह जब बाहर पढ़ने गए तो उन्हें लगा कि उसकी ग्रैंड मदर अपसेट होंगी, बट क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। बट माई ग्रैंड मदर नहीं, मतलब वो अपसेट नहीं हुई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, बिल्कुल भी उदास तक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई आराम से उसे, मतलब जो नॉर्मली प्रेयर करते रहते थे उसी में राम 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 जो भी बोलना होता है, मुझे भी नहीं पता प्रार्थना कैसे होती है बट, लेकिन जैसे भी करनी होती थी वो करते रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, पूरा उसकी दादी उसे छोड़ने आई थी बट फिर भी हर टाइम प्रेयर बोल रही थी ना। जाते टाइम सी साइलेंटली किस्ड की, मतलब उसके फोरहेड पे आराम से एक किस की एंड फिर वहाँ से चल दिए। खुशवंत सिंह को ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस लास्ट, उसके बाद वो कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, उसे लग रहा था कि कभी भी बस जाने वाली है, बट ऐसा फिर नहीं हुआ। मतलब खुशवंत सिंह यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है अपनी दादी को लुड़काने के मूड में था, बट फिर भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, जब 5 साल बाद वो वापस आया, उसकी दादी वहीं मिली उसे। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और जैसी थी वैसे की वैसी, ना एक दिन बूढ़ी ना एक दिन जवान। सी स्टिल हैड नो टाइम ऑफ फॉर वर्ड्स, अभी भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा प्रार्थना करती रहती थी और अपना वो स्पाइनिंग व्हील एक ही काम है उसे घुमाती रहती थी। नाउ इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो पहला दिन था उसके वापस आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर द विद स्पैरो, मतलब वो इतने सालों बाद वापस आया था फिर भी जो उसका, मतलब उनकी दादी का जो सबसे अच्छा खुशी का मोमेंट था वो वही आधा घंटा था जब वो अपनी चिड़ियों से बात करती थी। और क्या करती थी, सी फैड लॉन्गर, मतलब अब वो और ज़्यादा टाइम चिड़ियों को दाने डालती रहती थी। और फ्राइवलस रिब्यूक्स, इसका मतलब है, मतलब जैसे हम किसी को डांटते हैं बट हंस हंस के डांटते हैं, मतलब डांट नहीं रहे प्यार से डांट रहे हैं, उसे कहते हैं फ्राइवलस रिबक्स। नाउ यहाँ तक ये थर्ड फेज था, चाइल्डहुड, यंग एज, सॉरी टीन एज, देन यंग एज। नाउ इन द इवनिंग, उस दिन इवनिंग में कुछ चेंज लगा। वो पहला टाइम था सी डिड नॉट प्रे, पहला टाइम था जब दादी ने प्रेयर ही नहीं करी। आज सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, मतलब आसपास के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे उन सारी लेडीज़ों को बुलाया, एक ओल्ड सा ड्रम जिसे तबला कहते हैं वो उठाया और गाना गाना स्टार्ट कर दिया उस दिन आराम से। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए उन्होंने गाना बजाया। अब दिस सैगिंग, इस लाइन का मतलब है दिस सैगिंग स्किन ऑफ द डाइलेपिटेड ड्रम, डाइलेपिटेड मतलब खुरदरा सा ड्रम था, मतलब जैसे ऐसे कर्कस टाइप का स्किन, उस ड्रम की जो स्किन थी, मतलब हम कह सकते हैं एक पुराना सा तबला है ठीक है, जो पूरा ढीला ढाला हो रखा है, जर्जक ढोलक जिसे कहते हैं ठीक है। और एंड संग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब पुराने शहीदों के वापस आने के गाने गाए उसने खूब दबा के। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, मतलब
घर वाले कह रहे थे कि मत का भाई, थक जाएगी, मर जाएगी, बूढ़ी हो रही है, मान जा, बटना दादी तो दादी कैसे मानती। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी वुड नॉट प्रे। उस दिन वो पहली बार ऐसा था कि जब वो मतलब गाने बजाने में मस्त हो रही थी अपनी प्रार्थना छोड़ के, काफ़ी सालों बाद खुशवंत सिंह ने भी पहली बार देखा था। अगले दिन सुबह द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टॉकन इल, और वो होगी भाई, बुखार तो होना ही था, प्रार्थना छोड़ दी, भगवान नाराज, गाने गाए, गला खराब, ढोलक बजाया, हाथ दर्द, बुखार तो उससे चढ़ती, हमें थोड़ी चढ़ती। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, मतलब खराब है भाई, अब ये जाएगी, अब तो गो नहीं इसका। बट माई ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली, उनका सोचना डिफरेंट था। सॉरी सॉरी सॉरी, डॉक्टर के हिसाब से बुखार जाएगी, बट दादी के हिसाब से अब वो जाएगी, मतलब मरना तो था ही भाई। देख, सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब मैं जाने वाली हूँ। सी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब कुछ घंटे पहले वो भूल गई थी प्रे करना, यही गलती है कि अब वो मरेगी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू एस, वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। मतलब लास्ट के टाइम पे वो उनसे बात नहीं कर रही थी, मस्त प्रार्थना करने में बिजी थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड, कुछ देर बाद मतलब सब देख रहे थे, वहीं पे मौजूद थे, सस्पेक्ट मतलब आँखों के सामने उनके होंठ रुकना बंद हो गए, माला गिर के नीचे गिर गई, ए पीसफुल पैलेस स्प्रेड ऑन हर फेस, मतलब बिल्कुल शांति पूरे पूरे फेस पे, बिल्कुल ऐसी, सी वॉज डेड, वो मर चुकी थी। नाउ वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, मतलब उन्होंने बेड से नीचे उतारा दादी को, और जैसे कहते हैं ना वो वाइट सा कपड़ा जो होता है कफन, वो डाला। नाउ द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड शर्ट आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, मतलब शमशान में ले जाने के लिए जो अरेंजमेंट्स करते हैं वो। अब ये कहानी सुन के मेरे सामने भी चिड़िया आके बैठ गई और चें 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 कर रही है, अभी मैं संभाल के आता। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, मतलब कफन की वो सॉरी शमशान घाट में चलाने की थोड़ी तैयारी व्यारी करने गए, मतलब उसके फ्यूनरल डेड बॉडी को वहीं छोड़ के चले गए ना। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमनेटेड, मतलब जब शाम को वापस आए सीढ़ी वीढ़ी लेके कि हाँ अभी इन्हें जलाने ले जाएंगे। द सन वॉज सिटिंग एंड ही लेट हर रूम एंड रन द विद द फ्लो ऑफ गोल्डन लाइट, मतलब सन एकदम रात का समय होने वाला था, शाम सूरज ढलने वाला था, सबके सब वहीं रुक गए पूरे के पूरे उस पे बरामदे में और उनके रूम में, मस्त आराम से चिड़िया, पूरे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, इतनी सारी चिड़िया था कि चिड़िया ही चिड़िया थी कि हालत ख़राब हो रखी थी ना उन्होंने सबको, और कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, मतलब हम सबको बुरा लग रहा था चिड़ियों के लिए कि अब उनके पास खाना पीना भी नहीं होएगा। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, मतलब चिड़ियों के लिए बुरा लग रहा था कि अभी उन्हें खाना कौन डालेगा, तो मेरी मम्मा ने, खुशवंत सिंह की मम्मा ने उन्हें खाना डाला, बट सी ब्रॉक इट इन टू, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, और थोड़ी देर बाद वो दादी को वहीं छोड़ के उड़ गई ना। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्स ऑफ दे फ्लो अवे, मतलब जैसे ही उठाया वो उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम इन टू द डस्टबिन, अगले सुबह स्वीपर आया, सारे के सारे ब्रेड के टुकड़े उठाए और डाल दिए। ये थी पूरी एंड की स्टोरी, मतलब लास्ट में थोड़ा चिड़ियों का सीन दिखा रखा है कि हाँ मेरी दादी की जाने की वजह से उन्हें भी कितना बुरा लगा है ना। इसके क्वेश्चंस, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, हर एक पे आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर दियो भाई प्लीज़।